सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। पहला जरूरी चीज है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती है और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं वो काम आप करेंगे ही नहीं, और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें आज, लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूँगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आघाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं ली। ये शांति कहाँ से आई, इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई तो भी ये चीज़ कहाँ से, ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ उछकाएँ उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति आती, बच्चों में शांति आती। शांति बहुत ज़रूरी है, जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में ख़त्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि और हर तरह से पूरे पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज़ देना चाहूँ तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है और ये जो समाधानी स्थिति है इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे सब। अब सबसे तो बड़ी चीज़ है कि सहयोग, ये प्यार की देन, परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है वो प्यार आपको मिलता है, और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज़, जिसने प्यार की महिमा जानी उसके लिए फिर और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है, सब एक जीव हो जाते।
अब देखिए इतने दूसरे दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्म का है, वो आपको कहीं नहीं मिले। आप हैरान हो जाएं कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जा कर देखिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वो आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरे समय लड़ते रहेंगे, लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था। समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है और इस हिंदुस्तान में होगी। जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपने देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक। महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हुआ, क्योंकि ये बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज की कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीज़ें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी ज़मीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचाने और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहें तो बोलते ही रहेंगे हम, और आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है इतने बच्चे सामने हो तो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुँचा देंगे, और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है। अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप महान हैं, और आप कीचड़ में कर फंसे रहें तो मैं उसे क्या कर सकता। आपसे अब इतनी विनती है कि एक 10 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे प्राप्त करना। जो कुछ भी मैंने कहा सुना उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम है, तो समझदारी से इस चीज़ को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। अब कृपया दोनों हाथ मेरे तरफ,
अब ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ राइट हैंड आपके तालू के ऊपर, जो कि एक पहले स्निग्ध हड्डी थी यहाँ बचपन में, उसके ऊपर ये हाथ कर। अब अपना ये हाथ राइट हैंड मेरे ओर कर और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर से तालू पर ऊपर रखे अधांतर में, माने उसके ऊपर नहीं रखना अधांतर में। देखिए अब इसमें से कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या, बयार आ रही है क्या, ऐसे देखिए। किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को सामने आती पीछे आती, ज़रा हाथ ऊपर घुमा के देखें। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड फिर सर पे, और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। हो सकता है गर्म आ रही हो, क्योंकि आपको सबको माफ़ करना है। आप सबको माफ़ कर दीजिए, अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो गरम गरम हवा आएगी, और माफ़ नहीं करते तो करते क्या हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने को सता रहे हैं। इसलिए सबको माफ़ कर दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अपने को भी माफ़ कर दें, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मत सोचिए। अपने को भी माफ़ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ़ करें। अब दोनों हाथ मेरे ओर कर, प्लीज पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी प्लीज। अब जिन लोगों के दोनों भी हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही या गरम हवा, वो दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हैं। यहां से वहां तक सबको अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपका बीज तो प्रस्फुटित हो गया, अब इसके वृक्ष बनाने, और इसके इतने वृक्ष जितने आप लोग हैं बन जाए तो फिर क्या कहें, तो फिर ये कलयुग कितने दिन टिक सकेगा। सत्य युग तो आ ही रहा है, लेकिन उसका अभी प्रकाश पूरी तरह से फैला नहीं। आप ही उसके प्रकाश देने वाले आप ही लोग हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहजों को फैलाएंगे। हर एक आदमी एक हज़ार आदमी को पार कर सकता है, हर एक औरत एक एक हज़ार औरतों को पार कर सकती है, और सबको चाहिए कि कोशिश करके और पार करें, लोगों को पार करें, माने आत्म साक्षात्कार दें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।